साध्वी प्राची का विपक्ष पर जोरदार हमला। मुरादाबाद पहुंची हिंदू फायर ब्रिगेड नेता साध्वी प्राची ने कांग्रेस में चल रही अंतःकलह पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि ये तो देश के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जिसने 70 साल तक हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, अब वो टूट रही है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी में दम है, अब कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बटे, अच्छा है। वहीं जब साध्वी प्राची से हाथरस में एक बेटी के पिता की हत्या मामले पर सवाल पूछा गया तो बोली कि आज योगी जी ने कड़े आदेश दिए हैं, लेकिन विडंबना ये है अब आरोपी पक्ष के जाति धर्म के आधार पर योगी जी को घेरने का प्रयास शुरू कर देंगे, बहुत गलत है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अब एक लोबी खड़ी हो जाएगी और कहेगी योगी जी तो पंडितों के खिलाफ हैं, और कुछ वकील भी सामने आ जाएंगे। साध्वी प्राची ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कल से जो लोग मोदी द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने पर राजनीति कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। मोदी जी तो देश में सबका साथ सबका विकास करने में लगे हैं। जो विपक्षी राजनीति दल वैक्सीनेशन पर राजनीति करवा रहे हैं, ये उनका दिवालियापन का परिचायक है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, समस्या यहाँ है। देश के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मोदी जी देते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होती है। कोई भी देश हित में मोदी जी कार्य करते हैं तो विपक्ष उसको प्रशंसा तो कर नहीं पा रहा। हालांकि अच्छे विपक्ष की यही पहचान है, मोदी जी अच्छा कार्य करें तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए आगे बढ़ करके, लेकिन विपक्ष ये कर नहीं पा रहा तो उसी की वजह से उनके पेट में दर्द होता है, अपनी फजीहत करा लेते हैं। पूरा देश थू-थू कर रहा है विपक्ष के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, तो ये तो अच्छी बात थी, मोदी जी ने खुद अपने आप लगवाई है ना, तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष ये ऐसा कार्य नहीं कर रहा है। ये मैं कहूंगी कि इन लोगों की दिवालियेपन का एक जो समाज के सामने और देश के सामने मानसिकता का परिचय आ रहा है। एक सवाल और था, कांग्रेस जो सीनियर्स है कांग्रेस के, जिसमें गुलाम नबी आजाद सहित 23 लोग हैं, वो टूट रही है कांग्रेस, आप ये क्या क्या संदेश देंगे, आप अपनी नजर में क्या मानती हैं इसको? ये तो हिंदुस्तान के लिए गुड न्यूज है भाई, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को 70 साल तक लूटने का काम किया, आज वो टूटने के कगार पर हुई, तो इसका मतलब मोदी जी में दम है, ये मानना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस अभी टुकड़ों टुकड़ों में बटे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अभी किसान लगातार अभी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए, तो वहां से नहीं हट पा रहे, क्या कहें? देखिए, मैं किसान की बेटी हूँ और किसानों के सदैव मेरे दिल में भावनाएं रही हैं, उनका सम्मान करती हूँ किसानों का, और करना चाहिए हर भारतीय को, क्योंकि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान है और हर भारतीय किसानों का सम्मान करता है, ऐसा नहीं। लेकिन किसानों की आड़ में जो राजनीति हो रही है उससे मैं बहुत दुखी हूँ, बेहद आहत। ये लाल किले पर झंडा बांध, जो तिरंगे का जो अपमान करने गए थे, कौन लोग थे वो, क्यों नहीं रोका इन लोगों ने? और ये करोड़ों करोड़ों के मालिक रातों रात बन जाते हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं बेहद आहत हूँ। साध्वी जी, मुरादाबाद से सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, अभी कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है कि देश में अगर शरीयत का कानून लागू हो जाए तो बेटियों के साथ दुष्कर्म नहीं होंगे, इसको किस नजर देखते हैं आप? शरीयत कानून की मांग की है उन्होंने, जिस सांसद ने शरीयत कानून की मांग की है उसे मैं कहना चाहूंगी कि सीरिया में तो शरीयत है, वहां से शिक्षा ले लीजिए, कितना न्याय बेटियों के साथ हो रहा। केवल और केवल हिंदुस्तान ऐसा है जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या जिस तरह का इन्होंने, जिस तरह की इन्होंने मांग की है, क्या माने कि वो क्या क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? देखिए, उनकी सोच, उनकी मानसिकता पूरा देश जानता है। ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ।
कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ। मुझे इनके बारे में कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अच्छे से, मोदी जी हिंदुस्तान का विकास कर रहे हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करें, तो मुझे इन लोगों पर ज़्यादा टीका टिप्पणी मुझे नहीं करनी है और ना ही मुझे इन पर ध्यान, किसी को भी नहीं ध्यान देना चाहिए। साध्वी जी आखिरी सवाल है, हाथरस में एक कल फिर एक कांड हो गया है, किसी बेटी के बाप को मार दिया गया है, क्या हो रहा है यूपी में, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आप खुद एक महिला हैं, योगी जी को क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे योगी जी से? देखिए ऐसा नहीं, योगी जी बहुत अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और मुझे भी इस घटना का पता चला, बेहद दुखी हूं मैं भी, उस बेटी से मैं मिलने भी जाऊंगी, प्रयास करूंगी। योगी जी ने, आज मैंने मीडिया में देखा भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी है। समस्या कहाँ है? योगी जी कदम उठाएंगे तो पूरी की पूरी एक लोबी खड़ी हो जाएगी योगी जी के खिलाफ, कि योगी जी तो पंडितों के खिलाफ है, उनको सजा दे रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है जब तक हिंदुस्तान के अंदर, और विशेष कर कहूंगी मैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बुद्धिजीवी एकजुट नहीं होंगे। वो किसी भी जाति का हो सकता, अपराधी अपराधी है, तो हम सब समाज को न्याय दिला सकते। योगी जी उनको जरूर दंड देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की घोषणा भी की है, लेकिन मुझे विश्वास है और ये मैं सुबह से सोच रही हूं कि योगी जी के खिलाफ वही लोबी जो अपराधी है ना, उन्हीं के लोग बयानबाजी करेंगे और योगी जी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। दुख तो यहां होता है, गम उनका नहीं जो मोजो में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए, जो अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते, कर्तव्य से पीछे भागते हैं, जिन लोगों का कर्तव्य बनता है, समाज के बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम आगे आए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए तो समाज सुधर जाएगा। आज वो बेटी जो चीख चीख करके रो रही है, उसकी चीत्कार पूरे देश में गूंज रही है, अपराधी भी तो वहीं के हैं ना, कोई बाहर से अपराधी नहीं आया। उस अपराधी को देखते हैं कितने लोग सजा दिलाने के लिए तैयार रहेंगे। साध्वी प्राची तैयार है, उसे रासुका लगेगी और मेरी बात भी हुई है, उस पर रासुका लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समस्या वही है ना कि उसी समाज के लोग खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए, वकील भी खड़े हो जाएंगे, समस्या यहां पैदा हो जाए।